चलिए जानते हैं यूनिसेफ क्या है और यह है क्या काम करता है। यूनिसेफ, इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, जिसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड कहा जाता है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसी के साथ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। चलिए जानते हैं यूनिसेफ का इतिहास क्या है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्र महासभा को द्वारा बनाया गया था। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रोसमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम में से अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया है। अब आइए जानते हैं कि यूनिसेफ की फंडिंग कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं। दुनिया भर में ऐसी कुल 33 राष्ट्रीय समितियां हैं जो गैर सरकारी संगठन है, जो बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और धन उगाहने में मदद करता है। राष्ट्रीय समितियां यूनिसेफ के वैश्विक संगठन का अभिन्न अंग है और यूनिसेफ की एक अनूठी विशेषता है। यूनिसेफ को विशेष रूप से स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और राष्ट्रीय समितियां सामूहिक रूप से यूनिसेफ की वार्षिक आय का लगभग एक तिहाई हिस्सा जुटाती है। यह दुनिया भर में निगमों, नागरिक समाज संगठनों और 6 मिलियन से अधिक व्यक्तिगत दानदाताओं के योगदान से आता है। यह बच्चों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर मीडिया, राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, डॉक्टरों, वकीलों, निगमों, स्कूलों, युवाओं और आम जनता जैसे विशेषज्ञों सहित कई अलग-अलग भागीदारों को भी एकत्रित करता है।